1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कुछ साल बाद ही ये आंदोलन चरम पर पहुंच गया। तभी 1922 में गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ। आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने को घेर कर आग लगा दी, जिसमें 20 से भी ज्यादा पुलिस वाले मारे गए। इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर जरूर देखें। तो चौरी चौरा कांड के हिंसक घटना से आहत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के इस फैसले से देश में निराशा का माहौल छा गया। युवा क्रांतिकारी सबसे ज्यादा निराश हुए। आंदोलन से निराश युवाओं ने यह फैसला लिया कि वो एक पार्टी का गठन करेंगे। सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ बख्शी पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्यों में से शामिल थे। बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह भी पार्टी से जुड़ गए। पार्टी का मानना था कि भारत की आजादी के लिए हथियार उठाने ही पड़ेंगे। हथियार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत होती थी, इसलिए पार्टी के लोग शुरुआत में डकैती डालकर पैसों का प्रबंध किया करते थे। लेकिन डकैती में निर्दोष लोग मारे जाते थे और सरकार क्रांतिकारियों को चोर कहकर बदनाम करती थी। इसलिए फैसला लिया गया कि डकैती के बजाय अब सरकारी खजाने को लूटा जाएगा। क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लेकर जा रही ट्रेन को लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही ट्रेन को 10 क्रांतिकारियों ने निशाना बनाया। इस ट्रेन को काकोरी स्टेशन पर रोका गया और बंदूक की नोक पर गार्ड को बंधक बनाकर लूटा गया। क्रांतिकारियों के हाथ कुल 4,601 रुपए की रकम आई। इस घटना से ब्रिटिश सरकार में भूचाल मच गया। आनन फानन में गिरफ्तारियां की गईं। हालांकि घटना में केवल 10 ही लोग शामिल थे, लेकिन सरकार ने एक महीने के अंदर करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया। 6 अप्रैल 1927 को फैसला सुनाया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। कई लोगों को 14 साल तक की सजा दी गई। सरकारी गवाह बनने पर 2 लोगों को रिहा कर दिया गया। चंद्रशेखर आजाद पुलिस की गिरफ्त से दूर ही रहे। हालांकि बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वे शहीद हो गए। फांसी का फैसला आने के बाद भारतीय आंदोलन पर उतर आए, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों की एक न सुनी। सबसे पहले 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। इसके 2 दिन बाद राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया गया। अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लीज वियर मास्क एंड फॉलो कोविड 19 गाइडलाइंस।